वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एडीना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का अपना टॉपिक है फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक क्या होती है? हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रिक्स आर आर्टिफिशियल स्टोन, दोज आर यूजली मेड ऑफ क्ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले अपन फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स के फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, यदि आप कभी किसी साइट पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अपने फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, सबसे पहला होता है यूनिफॉर्मिटी इन साइज, या अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होती है अपन कि ए गुड ब्रिक शुड हैव प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब जो गुड क्वालिटी की ब्रिक्स होती है उसका शेप कैसा होना चाहिए, इट हैज़ प्रॉपर रेक्टेंगुलर इवन सरफेस एंड शार्प एजेस होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो साइज़ होती है, अपन बात करें शेप एंड साइज, शेप तो हो गया प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, साइज़ होनी चाहिए 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, ये इसकी साइज़ होनी चाहिए गुड क्वालिटी की ब्रिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड टेस्ट करते हैं अपन फील्ड पर, वो करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन कलर टेस्ट। कलर टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि जो ब्रिक का कलर होता है उसको अपन देखते हैं कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर, ये कलर होना चाहिए ब्रिक्स का। ठीक है, ये अपन कोई भी ब्रिक्स लेने के पहले या साइट पे यूज़ करने के पहले ये फील्ड टेस्ट जरूर करते हैं एक बार कि प्रॉपर कलर डीप रेड है कि नहीं है, या चेरी रेड है कि नहीं है, कॉपर कलर है कि नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये इसको अपन स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है कि इन दिस टेस्ट ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इंटू पीसेस व्हेन dropped on ground from a height of about 1 meter। यदि अपन किसी ब्रिक को 1 meter की हाइट से ज़मीन पे छोड़ते हैं, ग्राउंड सरफेस पे ड्रॉप करते हैं, तो वो टूटती नहीं है पीसेस में, या कोई भी क्रैक्स और डिफेक्ट उसमें नहीं आते हैं। ये होता है आपका स्ट्रक्चर टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर पे गिरा के देखते ब्रिक को, या अपन इसको तो टूटती नहीं है, अपन इसको स्टैंड टेस्ट भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है कि अपन का इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट टू ब्रिक्स आर स्ट्रक विथ ईच अदर, क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड शुड बी प्रोड्यूस। अपन क्या करते हैं, यदि किन्हीं दो ब्रिक्स को आपस में लेके टकराते हैं, ठीक है, तो अपन को क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है अपना कौन सा, साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट में क्या करते हैं अपन कि जब अपन टेस्ट करते हैं हार्डनेस ब्रिक की फील्ड पे, ठीक है, तो अपन सबसे पहले करते हैं कि हार्डनेस ऑफ अ गुड ब्रिक कैन बी टेस्टेड बाय मेकिंग अ स्क्रैच बाय फिंगर नेल, नो इम्प्रेशन इज लेफ्ट ऑन द सरफेस। हार्डनेस टेस्ट के लिए अपन गुड क्वालिटी की ब्रिक्स होते हैं, हाथ में लेके फिंगर नेल से स्क्रैच करके देखते हैं, तो उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आता है। यदि मान लो कोई भी स्क्रैच नहीं आता, इसका मतलब वो गुड क्वालिटी की ब्रिक्स है। तो ये होते हैं अपने फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, जो कि अपन फील्ड पे करते हैं। ठीक है, फील्ड पे अपन को सभी टेस्ट करना कंपलसरी, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि, क्योंकि फील्ड पे लैब तो अवेलेबल होती नहीं है, लेबोरेटरी, तो ये अपने फील्ड टेस्ट कहलाते हैं। 5 होते हैं ये मेन टेस्ट होते हैं फील्ड के। ओके, डन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।